गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुस्ताखी दे माफी मांगते हैं। जरा असी कल स्पैशल बच्चों का प्रोग्राम उलीकिया सी, गुरबाणी कंठ मुकाबला। साड़ी इच्छा तो सी कि असी थोड़ा जल्दी बच्चों की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्रवाई कर दे, पर क्योंकि बच्चे थोड़े लेट आए तो प्रोग्राम थोड़ा जहा लेट हो गया। इस करके गुरु साहब तो भी गुस्ताखी की माफ़ी मांगते हैं कि कीर्तन दे विच थोड़ा जहा इंटरप्शन आई है। तो जल्दी ही असी प्रोग्राम नू अगे वधाइए, जरूरी इस करके सोचा है क्योंकि एक नवा प्रोग्राम शुरू किया गुरबाणी कंठ मुकाबला का। तो उस बारे मैं भाई सोहन सिंह जी को बेनती करांगा कि वो इत्थे आ के आप जी को दसन कि प्रोग्राम किवें शुरू किया, कल जो प्रोग्राम होया किस तरह होया। मैं बच्चों को बेनती करांगा कि जिहड़े बच्चे जिन्होंने पार्टीसीपेट किया कल प्रोग्राम दे विच, वो स्टेज के कोल आ जाण अपने ग्रुप्स के मुताबक। मैं फिर उन्होंने नाम बोलांगा तो उस तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई आरंभ होएगी। सो बच्चे सारे अगे आ जाओ, जिन्होंने कल पार्टीसीपेट किया स्टेज के इस पास आ जाण सारे बच्चे अपने ग्रुप्स के मुताबक। छे ग्रुप सीगे एज के मुताबक, तो उन्होंने ग्रुपां के मुताबक आप सारे बच्चे इकट्ठे हो जाण इत्थे। तो मैं हम बेनती करांगा भाई सोहन सिंह जी को कि आप जी को दसन ये गुरबाणी कंठ मुकाबले का आरंभ किस तरह होया। क्योंकि असं हर रोज पाठ करते देखते हैं कि बड़ा उचारण बड़ा फर्क है। गुरबाणी किस निजम लिखी है, व्याकरण है। असी व्याकरण दे बहुत घट जा उचारण साडा भी नहीं ठीक। लगा मात्रा की उन्हों का उचारण, उन्होंने विचार करना यह बहुत जरूरी है। इस उद्देश नूं मुख रख के ता कि हर एक दे विच जो सतगुरु ने बाणी किसी निजम विच गुरबाणी व्याकरण विच लिखी है वह सारे समझ लग सके। असी शुरू किया बच्चों को, वैसे तो लोड़ है सानू सारे क्योंकि यह विषय बड़ा गंभीर है और बड़ा डूंगा है, इसकी जानकारी सानू सारे होनी चाहिए। असी उचारण करते हैं, मैं एक तुक बोलदा भरी है, मत पापा के संग इहदा उचारण। लेकिन देखण विच आया कि बहुत सारे इहनू भरी है मत पापा के संग, जदों कि इहदा उचारण है लिखिया जरूर है, उहदे उत्ते बिंदी नहीं है पापा दे उत्ते कन्ने दे उत्ते, लेकिन उहदा उचारण जिहड़ा है वह नासकी है, उहनू मतलब उहनू बिंदी ला के होना। इस तरह होर बेअंत है जिहड़ियां कि ये विचार वाली गल्लां, और साढ़े को ग्रामर सब तो पहले शुरू की। कई बड़े विद्वान होए ने, प्रोफेसर साहब सिंह होए ने, होर भी बड़िया व्याकरण वास्ते पुस्तक लिखिया, लेकिन इस तो बाद अखंड कीर्ति जथे दे सिंह भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह तलवाड़ा जिन्होंने व्याकरण लिखी है, और फिर उन्होंने जपजी साहब का जो टीका किया वह बकायदा उचारण सेध दे के किवें उचारण करना है, तो उन्होंने लिखी है। वह सानू बच्चों ने जिन्होंने पढ़ी है उस बड़ी सेध लैके उचारण किया। जो असी कल कंपीटिशन जब इन्होंने देख रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने वो पढ़ी है उन्होंने अपना उचारण ठीक किया, क्योंकि जे उचारण ठीक नहीं अर्थ ठीक नहीं, वो अर्थ नहीं निकलेंगे। सो इस उद्देश नूं असी मौके रख के अखंड कीर्तन जथे वालों आरंभ किया पहले लई सी बाणी जपजी साहब की। सो भावा सानू टाइम थोड़ा सगा एकदम सानू यह सोचा भी इस समागम से करिए। सो गुरु ने सतगुरु ने बड़ी बख्शिश की थी, सानू बहुत कुछ हासिल होया, खास करके जिन्होंने जजेस बन के बच्चों की लई है उन्होंने भी बड़ा ये ज्ञान हासिल किया। बच्चों तो बहुत कुछ मिलता है जब बच्चों पढ़ाते। सो इस गल रख के
सानू बड़ी कामयाबी, सानू बड़ी खुशी है कि जिन्हें बड़े उत्साह के नाल बच्चे आए ने, थोड़े समय के आए ने और 60-65 बच्चों के पहला रजिस्ट्रेशन सानू आई सी, लेकिन फिर इस वेले जो फाइनल होया 54 बच्चे ने इन्ने समय के अंदर इन्हों का आना, इन्होंने पढ़ाई करके मतलब जपजी साहब न पढ़ के कंठ करके फिर वह उच्चारण शुद्ध करके जो कुछ किया वो बहुत ही कमाल सी। और असी ये सारे जिन्हें बच्चे ने यह बधाई के पात्र ने और इन्होंने पेरेंट्स जे सारे वो भी बधाई के पात्र ने। और अगों तो मैं ये बेनती करांगा कि ये जतन सानू इनू जारी रखना चाहिए। अगों हर समागम के उत्ते कला एक नहीं दो तीन बारी साल के होना चाहिए ताकि सानू गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण करांगे लगा मात्रा जी सानू ज्ञान हो जाए तो फिर असी अर्थ ठीक कर सकेंगे बाणी समझ सकेंगे। सो यह है साडा प्रयोजन। तो सतगुरु बख्शिश कर असी अरदास पातशाह अगे यही करनी है कि सानू गुरबाणी की सूझ बूझ पता लगे इतों शुरू करेंगे। ये साडे ग्रुप वन के बच्चे एज 4 and 5 4-5 साल के बच्चों का पहला ग्रुप से, उन्होंने मैं नाम बोल दिना बीबी अनमोल कौर बेकरसफील्ड तो आई जाओ आई नाम नाम बोलना नाल नाल आई जाओ। अनमोल कौर दरसेव सिंह बेकरसफील्ड 4 साल, एकमलीन कौर कोरोना 5 साल, जगशेर सिंह उम्र 4 साल, जसनाम सिंह वॉलनट 5 साल। ये सारे पार्टिसिपेंट्स नाम पहले दस रहे हैं, उस तो बाद फिर जिन्होंने जिन्होंने जो फर्स्ट सैकेंड थर्ड आया उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाद चो होएगी। महीप सिंह बेकरसफील्ड 4 साल, सबद नूर सिंह लॉन्ग बीच 4 साल, सुखलीन कौर खालसा 5 साल। एज सी एज ग्रुप वन दे, दूजा ग्रुप सैकेंड ग्रुप सी एज 6 to 7, पहला बच्चा है अमनदीप सिंह रिवरसाइड 6 साल, अश्विन सिंह मोरेनो वैली, असने सिंह बेकरसफील्ड 7 साल, पजलीन कौर लैथरप, चरण कमल सिंह, गौड़ी कौर कुबीना तो 7 साल, गुरशान सिंह 7 साल, इकलीन कौर बेकरसफील्ड 6 साल, इकमनजोत सिंह रोजमीट तो, जीवन कौर कोरोना, ते सहज सिंह एनाहिम हिल्स तो। ये ग्रुप दो दे बच्चे, हम ग्रुप तीन दे सीगे 8 to 9 साल का ग्रुप, बलजोत कौर कोल्टन तो 9 साल, विक्रम सिंह 9 साल, कई बच्चे नहीं आए आज, जपलीन कौर कोरोना तो 8 साल, पवित सिंह रेडलैंड तो 9 साल, प्रभलीन कौर लॉस एंजलिस तो 8 साल, सरजन कौर कोवीना तो 8 साल। ग्रुप 4 के बच्चे सीगे 10 to 12 साल की उम्र से,
पहला बच्चा है अमृता प्रिया कौर लॉस एंजलिस तो 12 साल ईमान कौर कोल्टन तो 10 साल गुरजाप सिंह युवा सिटी तो 11 साल गुरजीत कौर लॉस अलामीटोस तो 12 साल हरकिरण कौर रेडलैंड्स तो 11 साल की बच्ची ते जनक कौर रिवरसाइड तो 12 साल जेड़े बच्चे नहीं आए उन्होंने ट्रॉफीज पहुँचा दी जाएगी। अच्छा ग्रुप 5 का एक बड़ा ग्रुप सीगा 13 तो लैके 15 साल के बच्चों का ग्रुप अमरपाल सिंह मोरेनो वैली 15 साल का बच्चा अवनीत कौर लॉस अलामीटोस तो 15 साल दी दीप सिंह सियाटो तो गुरप्रताप सिंह रियालटो तो 14 साल जप सिमरन सिंह जोत सिंह योबा सिटी तो 15 साल का करणदीप सिंह कोल्टन तो 15 साल कुलजीत कौर रिवरसाइड तो 13 साल मनजीत सिंह आर्केडिया 15 साल मनमीत कौर कोल्टन तो 13 साल मनमीत सिंह रिवरसाइड तो 15 साल का रोहन गुसैन वेस्ट कोमीना तो सतेंद्र सिंह सियाटल तो 14 साल ते तरनदीप कौर सियाटल तो 13 साल लास्ट ग्रुप सीगा ग्रुप 6 15 तो उपर एज ग्रुप के बच्चों का सी। पहली बच्ची है गुरजोत कौर फ्रेजनो तो 19 साल हरलीन कौर रियाल्टो तो 17 साल जसमीत कौर लॉस एंजलिस तो 18 साल जोत सिंह कमलप्रीत कौर आर्केडिया तो 20 साल करमवीर सिंह मोरेनो वैली 16 साल करप्रीत सिंह सलमा 16 साल सतनाम सिंह मोरेनो वैली 20 साल ते सुखा सिंह। सो ये सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने कल गुरबाणी का मुकाबले पार्टिसिपेट किया है ते हुण इन्हों ग्रुप के जिन्होंने प्राइज जीते ने जो फर्स्ट सैकेंड थर्ड पोजिशन पर आए हैं उन्होंने नाम मैं दस देना ग्रुप 1 जो सब तो छोटे बच्चों का ग्रुप है अंडर 5 एज ग्रुप उहदे विचों तीजे नंबर ते है दरसेव सिंह बेकरसफील्ड तो सेकंड प्लेस ते है बेकरफील्ड तो ही अनमोल कौर फर्स्ट प्लेस
ग्रुप वन विचों एकमलीन कौर कोरोना तो बच्चों नू ट्रॉफी का नाम लाल उन्होंने गिफ्ट कार्ड भी दिते जा रहे हैं तो उन्होंने अमाउंट्स चलो अमाउंट्स की फर्क पैंदा है मेन चीज है कि उन्होंने नाम दिते जा रहे हैं उन्होंने गिफ्ट कार्ड दिते जा रहे हैं जे वो गिफ्ट कार्ड दे जिन्ना अमाउंट है वो फिर जिस तरह बच्चे चाहन उन्हें वो अपने ते खर्च कर सकते हैं ग्रुप टू दे विचों जरा एज सिक्स एंड सेवन का थर्ड प्लेस पे है इकलीन कौर बेकरसफील्ड तो बोले सो निहाल सेकंड प्लेस पे इस ग्रुप टू विचों गौड़ी कौर वेस्ट कोवीना तो फर्स्ट प्लेस ते असनेह सिंह बेकरसफील्ड तो ग्रुप थ्री एज एट एंड नाइन तो थर्ड प्लेस ते सरजन कौर कोवीना तो बोले सो सेकंड प्लेस ते जपलीन कौर कोरोना तो बोले सो फर्स्ट प्लेस ते ग्रुप थ्री दे विच प्रभलीन कौर एल मोंटी तो बोले सो निहाल ग्रुप चार एज दस तो बारह तक थर्ड प्लेस ते जनक कौर रिवर साइड बोले सो निहाल जनक कौर अज नहीं आए उन्होंने फिर पहुंचा दिता जाएगा सेकंड प्लेस ते गुरजीव कौर लोस आला मीटोस तो बोले सो निहाल जो गुरजीव कौर भी नहीं आई उन्होंने दिता जाएगा ते फर्स्ट प्लेस ते रेडलैंड्स तो हर किरण कौर बोले सो निहाल लगता है इस ग्रुप से कोई भी बच्चे नहीं आए आज ग्रुप फाइव एज 13 तो लैके 15 तक थर्ड प्लेस से सियाटल तो तरनदीप कौर बोले सो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु सेकंड प्लेस थे आर्केडिया तो मनजीत सिंह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की ते फर्स्ट प्लेस थे एज 13 तो 15 तक जोत सिंह युवा सिटी तो बोले सो निहाल लास्ट ग्रुप छे दे विचों थर्ड प्लेस ते मुरेनो वैली तो करमवीर सिंह बोले सो निहाल
सेकंड प्लेस ते आर्केडिया तो कमलप्रीत कौर बोले फर्स्ट प्लेस पे वेस्ट कोविना तो जसमीत कौर बोले सो निहार इना तो इलावा साढ़े पास चार बच्चे होर ने जेडे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्ण संथ्या लेंदे रहे ने कॉन्फ्रेंस कॉल दे उत्ते ते ए सारे सिंह सिगे खास करके भाई साधु सिंह सैलमा तो ते होर भी कई सिंह विच शामिल होंदे ने पर ए बच्चे ने इन्हां ने पाठ बिच पढ़ना ते फिर उन्होंने अर्थ सीखने ते इन्हां दा भी पूरा सहयोग दिया ते इस इन्हां दी संगत जिहड़ी है इन्हां नूं सन्मानी सो मैं नाम बोलांगा काका जोत सिंह बच्चा है सतिंदर सिंह अगली बच्ची है तरनदीप कौर बोले सो निहार अगला बच्चा दीप सिंह सियाटो बोले सो निहार सो ए इन्होंने बड़ी मैं देखिया जो असि भी कॉन्फ्रेंस के बिच करते इन्होंने पाठ आरंभ करना और बड़े टाइम सिर करना तो फिर बड़े शुद्ध